का जो फर्क नजर आ रहा है पहले के नीतीश, आज के नीतीश और पहले के राहुल और आज, ये दरअसल केवल उनमें परिवर्तन नहीं है बल्कि समग्र भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आ रहा है ये सारा कुछ काफी कुछ कहता है। ये पहली बात, तो निर्मल से अगर मैं बात शुरू करूं तो गठबंधन की और है गुंजाइश भी है, मुझे इस तरीके से अपने उनके जो काम करने का कुछ उसमें चीजें मुझे उसके कुछ इश्यूज है। आज जो है ये केवल मीडिया में कहने से काम नहीं चलेगा, ये जो कुछ एकता के जो है बहुत ही बल होने चाहिए चाहिए कि आज की जो राजनीति है वो ईवी राजनीति है। आप कुछ करते हुए दिखने चाहिए और बड़े व्यापक और बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हुए दिखने चाहिए। ये मांग बहुत पुरानी है और आपको याद होगा लगभग 5 साल पहले जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार, आंध्र प्रदेश में क्या नाम इनका, चंद्रबाबू नायडू, इनका भाजपा के साथ जो गठबंधन टूटने का कारण यही था क्योंकि भाजपा ने उनकी वो मांग पूरी नहीं की थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब ऐसा है कि अगर हम गरीब राज्यों की बात करें, राज्यों में 5 में 4 तो 3 तो कम से कम विकास है, तो देखना यह होगा कि इस मांग को कैसे विधिवत तरीके से और आपस में चर्चा करके इनको लाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये मुखर हो रहे हैं हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि वे कोई अकेले प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है या अकेले वो इच्छुक नहीं है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम पहले भी इसके ऊपर चर्चा करते रहे हैं कि जो सबसे पहले उन इश्यूज को सॉल्व करना बहुत 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 आवश्यक है, वरना भारतीय राजनीति जो है आप जानते हैं कि प्रांतवाद, भाषावाद और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परिचालित होती है। आप बहुत सारे लोगों का क्या करेंगे, आप ममता बनर्जी का क्या करेंगे, आप दूसरे जो दावेदार हैं अरविंद केजरीवाल का क्या करेंगे। विपक्षी एकता का मतलब तो ये है कि आप उसकी हलचल करते हुए दिखने चाहिए। जैसे किसी समय प्रमोद महाजन दिखते थे या जॉर्ज फर्नांडिस दिखते थे, वो दिखते थे भागदौड़ कर रहे हैं, आज इस राज्य में है, आज उस राज्य में है, लोगों से बात कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले नजर आना चाहिए पब्लिक को कि हाँ विपक्षी एकता हो रही है। दूसरी बात जो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, उसका संबंध इस भारत जोड़ो यात्रा से भी, भारत जोड़ो यात्रा से भी आगे जाके जुड़ेगा मेरी बातचीत का, वो दरअसल ये है कि आप कांग्रेस का क्या करेंगे और इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। क्या अघोषित रूप से नीतीश कुमार ने स्वयं उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया है? चलिए मान लिया आपने कर लिया है, आपको क्या बाकी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको ऑथराइज कर रहे हैं? ये चीजें आपको बहुत ही सही तरीके से बैठ के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग छितराए तरीके से काम करेंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होने जा रहा है। मैं जानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो 2022 से लेके 2024 तक का जो पीरियड है ये सबसे क्रूशियल है। अगर इस 2 साल में विपक्ष एक नहीं हुआ तो न विपक्ष रहेगा न चुनाव रहेंगे। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि 2024 के चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चुनाव हो, और चुनाव हो तीसरा सबसे बड़ा इशू है, ईवीएम का इशू है, उसका आप क्या करेंगे। और अलग अलग बात करने से कुछ बहुत ज्यादा होना नहीं है, गरीब राज्य है ये सब जानते हैं, 5 राज्य हैं जो इस इंतजार में है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं, हरकतें मैं नहीं कहूंगा, मतलब उनकी जो गतिविधियां हैं ये निश्चित रूप से स्वागत है, होना चाहिए। लेकिन अगर ये खुश हो गया कार्यक्रम, फिर से गठबंधन एक साथ नहीं हो सका, तो आप जान लीजिए कि सारा विपक्ष जो है अगले कई 100 सालों के लिए दफन हो जाएगा भारत की राजनीतिक धरती में। ये नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को सोचना चाहिए। कभी प्रशांत किशोर के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद 2 दिन बाद पता चला कि प्रशांत किशोर और उनके दोनों के बीच कोई बात नहीं बन रही है, तो आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही है। ये विपक्ष जो है ये अपनी स्थिति को शंकास्पद जनता के सामने न करें, मीडिया के सामने न करें और बाकी राजनीतिक दलों के सामने न करें। दूसरी बात, जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से हर रोज उसमें ताकत बढ़ती जा रही है। जहां तक दक्षिण भारत राज्य में जब तक वो यात्रा कर रहे हैं तब तक तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। कारण यह है कि अपेक्षा के दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो उदार हैं, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा ही नहीं होंगे। जिस दिन वो तेलंगाना के विकाराबाद से महाराष्ट्र की धरती नांदेड़ में प्रवेश करेंगे तब आपको देखना है कि क्या होगा, क्योंकि उसके बाद आपके सामने जम्मू कश्मीर में पहुंचते तक आपके पास केवल ऐसा राजस्थान है जो आपका कंफर्ट जोन है, बाकी सब जगह आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा। और किसान आंदोलन जैसा होता है नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन दिल्ली में निश्चित रूप से बड़ी रुकावट आएगी राहुल गांधी के लिए। हाँ,
राहुल गांधी, आज मैं सुबह मीनू जैन से बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे दोहराना भी चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क ये लिया है कि राहुल गांधी या तो हीरो बनेंगे या वो जीरो बनेंगे। अगर अगर इस एम में वो नहीं पहुंच पाते, कश्मीर नहीं पहुंच पाते, वहां पर जाके अपनी यात्रा को पूरा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जीरो हो जाएंगे। और राहुल गांधी का हारना जो है देश की समग्र विपक्षी विपक्ष का हारना हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद आप जान लीजिए कि अगले कई सालों तक कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जहां तक हिमाचल और गुजरात की बात है, वो गौण मुद्दे हैं, निश्चित रूप से उनको वहां नहीं जाना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए कि उनके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस यात्रा को बहुत ईमानदारी से, बहुत शानदार ढंग से उसको पूरा करें। और मैं ये भी चाहता हूं कि केंद्र और उनके बीच शक्ति परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि हम भी देखें कि जो गांधी है, गांधी मेरा गांधी से, राहुल गांधी से नहीं है, मेरा महात्मा गांधी से है, उसका जो अंश आज तक हम लोगों के जनजीवन में चला आ रहा है, वो राहुल गांधी के भीतर कितना बचा है और किस तरीके से वो अपनी इस यात्रा को पूरी करते हैं, हम सब लोग इस चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। ये जो शक्ति परीक्षण है, ये भारत का पूरा भविष्य निर्धारण करेगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, बिल्कुल, भारत का भविष्य और राहुल गांधी